नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। गांधीनगर थाना क्षेत्र के कुरपनिया स्थित राइफल कॉलोनी के पास वहीं के बेखापू कॉप की 35 वर्षीय पत्नी आशा देवी की गोदो नालस में नहाने के क्रम में पानी की तेज धार में बहकर मौत हो गई। मौत के बाद लगभग 300 मीटर की दूरी पर शव पानी में बहता हुआ राइफल के लोगों ने शाम को पानी में देखा। शव को देखते ही गांधीनगर थाना पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही एएसआई अहमद हुसैन दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। स्थानीय लोगों के सहयोग से पानी से शव को निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ऐसा फाइल में कुछ हुआ है कंफर्म नहीं मालूम था, लेकिन जब यहाँ गांव वाला आए तो गांव वाला से पता चला कि नदी में कोई लाश है, वो भी कंफर्म नहीं हुआ। तब कंफर्म करने के लिए यहाँ से दो लड़का को गांव वाला को बोले कि देखो जो कंफर्म बता, तो ये लोग बताया कि एक लेडीज का लाश है, तो उसको उन लोग गांव वालों से निकलवा करके उसके घर तक सुपुर्द कर दिए। अभी तो वैसे तो कुछ पता नहीं चल रहा है, यहाँ तो पता चल रहा है कि ये बता रहा था कि थोड़ा सा नशा करती है।